स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के द्वारा संचालित स्वच्छता भारत अभियान के तहत शौचालय मुहैया कराया जाए। लेकिन संत कबीर नगर में ग्रामीणों को अब तक शौचालय मुहैया नहीं हुआ, जिसके लिए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शौचालय के नाम पर प्रधान ने भारी रकम डकार लिया है, लेकिन जिम्मेदार कार्यवाही करने में कतरा रहे हैं। बीओ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार स्वच्छता पर बल दिया जा रहा है और स्वच्छता मुक्त करने के लिए जनपद के अधिकांश गांवों को ODF किया जा चुका है। लेकिन इस अभियान का पोल उस वक्त खुला जब ग्रामीण पत्रता की श्रेणी में रहते हुए भी उन्हें वंचित कर दिया गया और अब ग्रामीण गांव में प्रदर्शन कर शौचालय की मांग कर रहे हैं। सर, हम अंत्योदय कार्ड धारक हैं और हमको शौचालय से वंचित किया गया है। शौचालय हमको नहीं दिया गया है। हमारे गाँव में कम से कम 1-8 लोग ऐसे जो हैं जिनको 3-3 संयुक्त परिवार हैं, मिली जुली परिवार हैं, फिर भी उनको 3-3 दिया गया है। 2-3 तो ऐसे हैं जिनके एक नाम पर 2-2 दिया गया है और एक एक घर में 5-5 दिया गया है, और जो दिए भी हैं उनका बनवाए भी नहीं हैं। शौचालय बना ही नहीं सर। आपकी क्या मांग है? हमारा मांग शौचालय का मांग सर, गरीब आदमी, हमको भी शौचालय मिलना चाहिए सर। अपने ग्राम सभा में मेरे ग्राम में काफ़ी लोगों के नाम से फर्जी पैसा निकाला गया है और काफ़ी लोगों को पूरा पैसा नहीं दिया गया है। किसी को वंचित कर दिया और किसी को वंचित ही कर दिया गया है। जो BPL सूची में है उनको भी वंचित कर दिया गया है और जो आपात्र लोग हैं उनको शौचालय आवंटित किया गया है। क्या संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इस मामले में? जी सर, हमने ADO साहब के पास लगभग 10-12 कंप्लेन कर दी है, IGRS पे भी कंप्लेन की और स्वयं पत्र देकर भी कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। रोज वो यही बोलते हैं कि आज जांच करेंगे, कल जांच करेंगे। अभी आप लोगों ने गांव में प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोगों की यही मांगे हैं सर, जिसका भी शौचालय का पैसा है उसको पूरा पैसा दिया जाए और जो भी जो पात्र हैं उनको जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, हम लोगों ने व्यवस्था ये दे रखा है कि ग्राम पंचायतों में जो शौचालय बनाए गए हैं, समस्त शौचालयों की धनराशि लाभार्थी को 2 किस्तों में देने की व्यवस्था की गई थी। 6,000 की पहले किस्त लाभार्थी के खाते में दी जाती थी, जिससे वो शौचालय का निर्माण शुरू करके और जब वो आधा बना लेता था तो उसको दूसरी किस्त हम लोग देते थे। अब कैसे उनके नाम पर कोई दूसरा धनराशि निकाल लिया है, इस संबंध में हम लोग अब जाँच कराएंगे और टीम बना के जाँच करा के यदि इस तरह के मामला प्रकाश में आता है तो निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।